लखनऊ से अगली बड़ी खबर बता दें, सिपाही ने ठेलिया सवार को रौंद दिया। नशे में धुत कार सवार सिपाही ने ठेलिया सवार को रौंद दिया। ठेलिया सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सिपाही सहित सभी कार सवार नशे में धुत बताए जा रहे हैं। कार में शराब की बोतलें भी मिली हैं। थाना बंथरा के कस्बा बंथरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, ठेलिया सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और ठेलिया सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सिपाही सहित सभी कार सवार नशे में धुत बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप हालात देख सकते हैं। सिपाही की कार में शराब की बोतलें भी मिली हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सिपाही ने ठेलिया सवार को रौंद दिया और नशे में धुत कार सवार सिपाही बताया जा रहा था, जिसने ठेलिया सवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। नीलेश, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। नीलेश, क्या है पूरा मामला बताएं एक बार। नशे में जो कार सवार सिपाही था, उसने जो है ठेलिया सवार को गंभीर रूप से रौंद दिया है। जब मौके पर लोगों ने उसकी उसका विरोध किया, गाड़ी चेक की गई तो गाड़ी से भी कई शराब की बोतलें बरामद हुई है। पूरी घटना जो है बंथरा कस्बे की है, जो कि लखनऊ और कानपुर हाईवे पे स्थित है। ऐसे में अगर बात करें, जब वर्दीधारी जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे और रफ्तार की धज्जियां उड़ाएंगे, तो ऐसे में आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। देखना होगा कि वर्दीधारी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर इस तरीके से वर्दी ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई की अपेक्षा यहाँ पर की जाती है और अगर कुछ कार्रवाई होगी तो हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। ठीक है नीलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।